लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए पत्रिका समूह सदैव जनता के संवाद और भागीदारी में विश्वास रखता आया है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल स्वच्छ राजनीति की बुनियाद पर जनता के साथ संवाद और भागीदारी से ही संभव है। इसी उद्देश्य से पत्रिका ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चेंज मेकर्स महाअभियान शुरू किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजनीति में स्वच्छता एवं स्वच्छ छवि के लोगों को आगे लाने का था। इसी के तहत विधानसभा चुनाव 2018 में जनप्रतिनिधियों से उनकी प्रतिबद्धता जनता द्वारा और जनता के लिए क्या रहेगी, इसके बारे में जन एजेंडा मांगा गया था। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आहोर विधानसभा क्षेत्र से विधायक छगन सिंह राजपुरोहित से और पूछेंगे सवाल 10 सूत्रीय जन एजेंडा को लेकर और जानेंगे आपके क्षेत्र के विकास को लेकर क्या है आपके विधायक की सोच। राजस्थान पत्रिका के माई मेंबर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं माहौल के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित जी से। छगन सिंह राजपुरोहित संघ पृष्ठभूमि के LIC का काम करते थे, पहली बार MLA का चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे मार्जिन 31,000 से अधिक वोटों से ये विजय है। छगन सिंह जी आपका पत्रिका के माई मेंबर कार्यक्रम में स्वागत है। आप पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार जीते, बहुत अच्छे वोटों से जीते, ये कामयाबी कैसे हासिल की? कामयाबी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ भाई, तो सब कार्यकर्ता काम करेंगे विधान स्तर और प्रभारी राज्य स्तर का। तो जितने भी हर मुख्यमंत्री गया हुआ था देश को मिला हुआ था और सभी को प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे सभी काम कर लगे और ये जीत मतलब एक बड़ी जीत मतलब थी जीत कार्यकर्ता। आप पहले संगठन के पदों पर रहे, किस किस पदों पर रहे? मैं युवा अवस्था से कार्यकर्ता मतलब संगठन से पहले युवा मोर्चा में मंडल उपाध्यक्ष था, फिर युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बना, फिर मंडल का भाजपा का मंडल महामंत्री बना। जब मैं वो टिकट मिली तब मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री इस प्रकार संगठन में इधर विभिन्न तरह की जो प्रभार है विधानसभा के प्रभार कोई भी दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम हो बोले यहाँ से जाने के लिए कोई भी जयपुर जाना भी है तो भी मैं लगभग सभी में प्रभार। आप युवा विधायक हैं, वोट मांगते समय आप युवाओं से भी मिले होंगे, रोजगार की यहाँ समस्या बड़ी संख्या में है, ऐसा महसूस किया आपने? वैसे रोजगार की समस्या है लेकिन यहाँ एक और विधानसभा जालौर जिले की बात करें तो यहाँ सभी रोजगार के लिए प्रवासी सब बाहर जाते हैं, राजस्थान को छोड़ के पूरे भारत भर में हमारे बंधु हैं, प्रवासी बंधु हैं जो बाहर जाके अपने जो कमाई करते हैं, इसलिए ये समस्या यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो सब बाहर चले गए। अगर यहाँ होते तो वास्तव में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी पढ़ते हैं उनको लगभग वो एक समय तक पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अगर उनको नौकरियां नहीं है तो वो फिर बिजनेस में चले जाते हैं और आउट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर ये समस्या थोड़ी कम ही है। नहीं, जैसा आपने कहा कि रोजगार के लोगों को यहाँ से प्रवास पर जाना पड़ता है तो यानी पलायन। सेंट्रल में मोदी सरकार है, आपके यहाँ स्टेट में भाजपा सरकार थी, स्किल इंडिया की बहुत बात हुई लेकिन यहाँ वो चीजें क्यों नहीं डेवलप हो पाई कि स्थानीय युवा स्थानीय स्तर पर कुछ रोजगार कर सके और यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिल सके? स्थानीय स्तर पर जैसे जो पढ़ रहे कंप्यूटर क्लासेस कर रहे हैं, जो जिन्होंने IIT की है, जिन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने डिग्री हासिल की है, प्रोफेशनल डिग्री जिसने हासिल की है, वो यहाँ पर बहुत बढ़िया कमा रहे हैं। लेकिन जो पढ़ना ही नहीं चाहते, जिनको ये है कि अपने तो आगे में बिजनेस में जाना है और नौकरियां इतनी नहीं है, नौकरियां 1-2% ही होती है, तो इसलिए वो पहले से ही अपने मानस दिमाग में बना लेते बस कॉलेज कर लिया है अब प्रवासी बनना है और वो कमाने के लिए प्लान करते हैं। फिर यहाँ जो यहाँ रहते हैं वो लगभग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अपना कर रहे काम, हमारे यहाँ क्षेत्र से कई IAS RS भी बने हैं अभी फिलहाल पिछले 7-8 साल में। और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो जो मैं कह रहा हूँ कि एक
अन्य क्षेत्र में, जैसे कि ये कॉलेज चलती है प्रोफेशनल डिग्री की, वो कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं और नौकरी जो भी है अपना अपना बिजनेस लगवा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कोई व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के इंस्टीट्यूट हैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में, या आने वाले दिनों में इनको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? वैसे प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर है व्यावसायिक के लिए स्पेशली नहीं है, लेकिन जैसे बी फार्मा फार्मेसी वगैरह वो कोर्सेज है, लेकिन अब अगर व्यावसायिक मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर भी व्यावसायिक कॉलेज खुले और नेक्स्ट टाइम में हमारे यहाँ के जो भी युवा है वो इस काम में इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आए। उन्होंने कॉलेज तो खूब खोले लेकिन संसाधन नहीं दिए, या तो स्टाफ नहीं था या बिल्डिंग नहीं थी, तो बच्चे पढ़ने के लिए फिर यहाँ से बाहर ही जाना पड़ेगा उसे, या जैसा आपने अभी बताया कि प्रवास के कारण आधे से ज्यादा आबादी बाहर रहती है या गांव खाली है, तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है, जाहिर है इससे पिछड़ा नजर आता है आपका। वैसे कॉलेज खुले आपके संसाधनों की कमी है ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट टाइम जब कॉलेज सैंक्शन हुआ तो बिल्डिंग तो बढ़ती नहीं, बिल्डिंग बनाने में आखिर में टाइम लगता है, तो पिछले तीन साल से कॉलेज चल रही थी वहाँ स्कूल के पीछे ही बना हुआ, और संसाधन की अभी कॉलेज लगभग छत तक आ गई है, कॉलेज पूरा लगभग हो जाएगा इस साल में, तो बढ़िया संसाधन, और जो भी प्रोफेसर है वो पूरे पूरे एक दो पद अगर देखे तो बाकी सब पद फुल फिल थे, कोई समस्या नहीं थी। अभी एक छात्राओं का इंटरव्यू लिया था पत्रकार महोदय मीडिया बंधु ने, तो उन्होंने जब पूछा कि भाई आपकी क्या कभी तो नहीं कि एक दो अगर प्रोफेसर छोड़े तो पूरे पूरे पद, चुनावों से पहले की बात है, तो उन्होंने कहा था कि भर दिए, कोई कमी नहीं है, कोई भौतिक संसाधनों की इस क्षेत्र में कमी नहीं है। बात रही प्लायन की, तो प्लायन तो खास यहाँ पर ये पानी की सबसे बड़ी समस्या है, कसी अगर पानी हो जाए, पानी अगर पूरी तरह से हर क्षेत्र में होगा और कृषि बराबर उत्पादन, कृषि उत्पादन तीन तीन अगर फसल अगर एक क्षेत्र में लेने लग जाए, जलवायु पुनर्भरण हो जाए, तो जलवायु पुनर्भरण हो गया तो यहाँ इस क्षेत्र में जो भी पलायन करने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे पलायन जो बाहर है वो धीरे धीरे यहाँ आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पानी जब तक खेती है, खेती से ही सब चलता है, और खेती अगर पूरी तरह से बड़ी व्यवस्थित तरीके से हो जाएगी तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी बिजनेस यहाँ चलने चाहिए वो चलने लग जाएगी। जैसे जब धान पैदा होगा कोई भी करेगा तो किसानों के पास पैसा आएगा, किसान फिर मकान बनाएगा, मकान बनाएगा तो वो जो लोहे के सरिया रहता है तो सरिया की दुकान चलेगी, सीमेंट की दुकान चलेगी, बिल्डिंग मटेरियल जितना भी रहता है उनकी चलेगी, फिर वो शादी ब्याह के लिए गोल्ड वगैरह खरीदेगा, किराना के लिए जो शादी में करते वो यहीं से फिर वो रोटेशन घूमना शुरू हो जाएगा। जब तक पानी की समस्या समाधान नहीं होती तब तक ये प्लान, आप विकास की बात करें, विकास में अहम भूमिका रहती है पानी की, पानी है तो सब, ये जहां भी प्रवासी बंधु हैं, जहां भी गए हैं वहां मुख्य पानी ही है, वहां पर जैसे बड़े बड़े डैम बने हुए हैं और वहां पर नहरें चलती है, और नहरों से ही उस क्षेत्र में, जैसे पूरे राजस्थान की बात करें तो यहाँ कम नहरें चलती है, गंगानगर की साइड में चलती है, तो वहां पर पलायन नहीं करते लोग, जिस क्षेत्र में भी लोग जहाँ खेती सुचारू रूप से है वहां पलायन नहीं करते, और पलायन करने वाला रेगिस्तान हमारे क्षेत्र में जालौर सिरोही पाली ये बाड़मेर वहां ही ज्यादा पलायन है, बाकी क्षेत्रों में राजस्थान में नहीं है, और ये मुख्य कारण है पानी। पार्टी का है, प्रतिपक्ष का है तो काम नहीं होते, आपको क्या लगता है कि आप किस तरह अपने इस एरिया के लोगों से काम करवा पाएंगे? हाँ, ये अमूमन होता है कि जिसकी सरकार होती है वहाँ वही क्षेत्र में काम होता है जो विद्यार्थी थे हुए, लेकिन मुझे विश्वास है कि विपक्ष में विधानसभा लगती है और मुद्दे जब विधानसभा में उठते हैं तो वो काम करने ही पड़ते हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करूंगा कि ये मुद्दे विधानसभा में उठाऊंगा और इसको मैं करो पूरी पूरी कोशिश करूंगा, नहीं मुद्दे उठाकर काम करूंगा। जालौर जिला वैसे भी पश्चिमी राजस्थान का जिला है और पिछड़े हुए जिलों में माना जाता है, इसकी जो आहोर विधानसभा है वो भी पिछड़े भी है, यहाँ ऐसी क्या समस्याएं हैं जो सबसे पहले आपको प्राथमिकता के तौर पर रखनी है? बिल्कुल आपकी बात सही है, यहाँ विकास की कमी है, जैसे सबसे बड़ी तो यहाँ पर रिको अगर हो जाए
तो रिको की समस्या से रोजगार भी मिल जाएगा और यहाँ विकास भी हो जाएगा। दूसरी, यहाँ पर पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी नगर पालिका नहीं, तो अब की बार इच्छा है कि और जो ग्राम पंचायत है, कस्बा है, वहाँ नगर पालिका की जो डिमांड भी है जनता की, तो नगर पालिका बन जाए जिससे फायर ब्रिगेड वगैरह की सुविधाएं बढ़ जाए। क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ जब भी ऐसी घटना होती है, आगजनी घटना होती है, तो उस समय ये फायर ब्रिगेड वाली बहुत बड़ी समस्या है, जो लोगों के लिए बड़ी 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 नुकसान हो सकता है उस समय। तो ये अगर नगर पालिका बन जाए तो फिर ये फायर ब्रिगेड वगैरह बन जाएंगे, और जो पूरी क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत बढ़िया प्रगति है। अभी कॉलेज भी गवर्नमेंट ने, वसुंधरा राजे जी ने लास्ट अपने कार्यकाल में कॉलेज की घोषणा की और बन रहा है कॉलेज। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत अच्छी, हमारे यहाँ से अभी IAS और RS भी बढ़े हैं। तो अब धीरे धीरे जागृति आई है, जनता में जागृति है, जनता में जागृति है, तभी मेरे को यहाँ से स्थानीय के रूप में चुना है। तो मुझे विश्वास है कि मेरा जनता सहयोग करेगी, मैं भी उनका साथ लेकर आगे काम करने की, जो भी उनकी इच्छा होगी काम करने की, क्या क्या करवाना है, उनसे राय मशवरा लेता रहूंगा और काम करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा।